नमस्कार, हम भारत के लोग देख रहे हैं आप। मेरा नाम सुमित अवस्थी है। राहुल गांधी एक बार फिर यात्रा पर निकल रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब इसका नाम कर दिया गया है। इंडिया समूह के साथी दलों को भी यात्रा में आने का न्योता इस बार दिया गया है और आलोचकों द्वारा पॉइंट आउट करने के बाद रूट में अब अरुणाचल प्रदेश का नाम शामिल कर लिया गया है। इस बार कम समय में ज्यादा फासला राहुल गांधी तय करना चाहते हैं क्योंकि ये पदयात्रा कम और बस यात्रा ज्यादा होगी। भारत के पूर्व से पश्चिम की यात्रा होगी। मणिपुर के इम्फाल से 14 जनवरी को यात्रा शुरू होकर 20-21 मार्च को महाराष्ट्र के मुंबई में यात्रा खत्म होने वाली है। 66 दिनों में 6,700 किलोमीटर से ज्यादा का सफर यह यात्रा तय करेगी क्योंकि ज्यादातर समय बस से तय हो रहा है, इसीलिए यात्रा इतनी जल्दी इस चुनावी मौसम में इस दूरी को तय कर पाएगी। कुल 15 राज्यों से राहुल गांधी इस यात्रा में गुजरेंगे। इस बार यात्रा का रूट जो तय किया गया है वो चुनावी दृष्टि से बेहद रणनीतिक है। राहुल गांधी उन जिलों या राज्यों में ज्यादा समय बिताने की सोच रहे हैं जहां पर कांग्रेस बीजेपी को सीधी टक्कर दे सकती है। पर सवाल यह है कि क्या यह सीधी टक्कर का जो शगुफा है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बहाने कांग्रेस के खाते में नई सीटों को जोड़ पाएगा, क्योंकि मकसद तो वही है। जो आंकड़े हमारे पास हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के, राज्यवार तरीके से अगर दिखाए जाएं तो कुछ इस तरीके से आपको दिखते हैं। मणिपुर में 2 लोकसभा सीटें हैं, 107 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, एक दिन का वक्त बताएंगे। अगर मैं अगली बात करूं नागालैंड की, तो नागालैंड में राहुल गांधी 1 लोकसभा सीट के लिए 2 दिन बिताएंगे और 5 जिले तय करेंगे। असम में 14 लोकसभा सीटें हैं, 17 जिले कवर करेंगे और 8 दिन इस इलाके में बिताएंगे। यहां पे बीजेपी की सरकार है। अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों के लिए 1 दिन बिताएंगे, एक जिले को ही तय करेंगे। मेघालय की अगर बात की जाए तो मेघालय में 2 सीटें हैं और उसके लिए 1 दिन यहां बिताएंगे। तो पूर्वोत्तर भारत की 25 सीटों के लिए राहुल गांधी 13 दिन वहां रहेंगे। कांग्रेस को लगता है कि मणिपुर की घटनाओं को लेकर वो बीजेपी को यहां घेर पाएगी। अब बात करते हैं, इसके बाद यात्रा बंगाल में आएगी। बंगाल में 5 दिन ये यात्रा रहने वाली है और 5 दिनों में 7 जिले कवर की करेगी और यहां पर कांग्रेस का अलायंस टीएमसी के साथ है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी इस इलाके में ज्यादा समय राहुल गांधी को नहीं दे रही है क्योंकि ज्यादातर सीटों पर तो टीएमसी को लड़ना है। बिहार की बात की जाए तो बिहार में 4 दिन ये यात्रा रहने वाली है, 7 जिले कवर करेगी। बिहार की स्थिति भी कुछ अमूमन ऐसी है क्योंकि जेडीयू आरजेडी की बड़ी दखलंदाजी है, तो यहां पर इंडिया अलायंस के लोगों को ज्यादा मौका मिलेगा उसमें यात्रा में रहने का। राहुल गांधी कम समय इस जगह पर दे रहे हैं। झारखंड से बात किया जाए तो कांग्रेस को लगता है कि इस इलाके में बीजेपी को घेरा जा सकता है, तो 14 सीटों वाले इस राज्य में 8 दिन राहुल गांधी बिताने वाले हैं और उनको उम्मीद है कि इन 13 जिलों में वो पिछली बार से बेहतर कर पाएंगे। पिछली बार इस इलाके में कांग्रेस ने सिर्फ 1 लोकसभा सीट जीती थी। कांग्रेस जेएमएम और आरजेडी के साथ मिलकर यहां पर चुनाव लड़ने वाली है। ओडिशा की बात की जाए, क्योंकि पिछली बार ओडिशा नहीं गई थी यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा थी, कांग्रेस का संगठन इस राज्य में बेहद कमजोर माना जाता है और यहाँ कांग्रेस के पास पाने के लिए या खोने के लिए बहुत कुछ है नहीं। राहुल गांधी इसीलिए महज 4 दिन यहां बिता रहे हैं और 4 जिलों को ही छू रहे हैं। छत्तीसगढ़, जहां पर कांग्रेस पार्टी की पिछली यात्रा में राहुल गांधी नहीं गए थे, उस छत्तीसगढ़ में अभी बुरी तरीके से कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है, इसीलिए बहुत ज्यादा दिन राहुल गांधी ने नहीं दिए हैं, जबकि यहां बीजेपी के साथ सीधा मुकाबला है। 5 दिन में 7 जिले वो तय करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए, सबसे क्रिटिकल राज्य, 80 लोकसभा सीटें हैं और यहां पर कांग्रेस पार्टी जूनियर पार्टनर है इस अलायंस में, समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है। समाजवादी पार्टी 65 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर भी चुकी है, तो कांग्रेस के खाते में मैक्सिमम 15 सीटें आएंगी, लेकिन राहुल गांधी 12 दिन इस राज्य में बिता रहे हैं। लेकिन जहां जहां से राहुल गांधी गुजरेंगे यूपी के इस रूट में, उसमें ज्यादातर वो इलाके आ रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी जहां पर चुनाव लड़ने का मन बना रही है, इसीलिए 12 दिन का वक्त यहां पर दिया गया है। उम्मीद कर रही है कि हम यहां पर मुकाबला कर पाएंगे। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी हाल ही में चुनाव हारी है, इसीलिए बहुत वक्त कांग्रेस पार्टी यहां पर नहीं दे रही है, राहुल गांधी इस यात्रा में नहीं देंगे। एमपी में हालांकि 7 दिन है, लेकिन ये 7 दिन उस इलाके में रहेंगे जहां पर वो पहली यात्रा में नहीं गए थे। राजस्थान में सिर्फ 1 दिन के लिए राहुल गांधी जा रहे हैं,
राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं, एक दिन में राहुल गांधी कैसे सबको सेटिस्फाई करेंगे भगवान जाने, लेकिन कुल मिलाकर लगता है कि राजस्थान शायद तवज्जो लिस्ट में उतनी इंपॉर्टेंट जगह नहीं बची है। गुजरात की बात की जाए, गुजरात भी पिछली यात्रा नहीं गई थी, गुजरात का तब तो विधानसभा चुनाव भी चल रहा था, लेकिन राहुल गांधी पहली बार जब यहाँ पहुँचेंगे तो उस इलाके से यात्रा निकलने वाली है रूट के मुताबिक जो ज़्यादातर आदिवासी इलाका है। 5 दिन वक्त रहने वाले हैं, 26 लोकसभा सीटें, आप सोच सकते हैं कुछ खास इलाके को केवल 7 जिलों को ही कवर करेंगे, वो भी पूरब से लगा हुआ जो इलाका है जो तुरंत महाराष्ट्र से जुड़ जाता है। अब महाराष्ट्र पे हम आ ही गए तो महाराष्ट्र आखिरी डेस्टिनेशन होगा, 15वां राज्य होगा। यहाँ पे भी राहुल गांधी उस इलाकों में ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं जहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सीटें हैं, जो कांग्रेस पार्टी अपने अलायंस में शिवसेना से और एनसीपी से चाहती है। तो 5 दिन में मैं 6 जिले राहुल गांधी कवर करेंगे। तो ये तो हो गया मैप का हिसाब किताब। मैं कुल मिलाकर बार बार इसकी बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जिन जगहों पर समय देने वाली है उसको लगता है कि बीजेपी को साथ जहां वो टक्कर दे सकती है वहां पर वो ज़्यादा समय राहुल गांधी को दे रहे हैं, और जहां पर अलायंस पार्टी मजबूत है उस इलाकों में राहुल गांधी उतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हालांकि अलायंस पार्टियों को न्योता इस बार दिया गया है कि आए तो इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में साथ चलें। उत्तर प्रदेश की बात मैं एग्जाम्पल के तौर पर करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में यात्रा जो है वो अयोध्या नहीं जा रही है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, बनारस, प्रयागराज, अमेठी, रायबरेली होते हुए ये अलीगढ़ आगरा से निकलेगी, और ये वो रूट निकाला गया है जिन इलाकों पे कांग्रेस पार्टी अपने 8, 10, 12 जो भी कैंडिडेट उनको मिलेंगे समाजवादी पार्टी के रहमो करम पर, वहाँ पर ही अपना उम्मीदवारों को खड़ा करेगी। तो 2.5 महीने का वक्त है, करीब मान के चलिए 66 दिनों का, और 2.5 महीने से कम का वक्त कह लीजिए, और इसमें 100 लोकसभा सीटों को राहुल गांधी इस यात्रा में कवर कर रहे हैं। क्या कहा जयराम रमेश ने, पहले वो सुन लेते हैं। भारत जोड़ो यात्रा से जो हमने सफलता हासिल की थी, भारत जोड़ो यात्रा का जो असर न केवल हमारे संगठन पर परंतु हमारे देश की राजनीति पर पड़ा, उसको हमें भूलना नहीं चाहिए, उसको आगे ले चलना चाहिए। इसलिए इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। न्याय तो मकसद ही है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, पहले यात्रा का नाम, दूसरी यात्रा का नाम भारत न्याय यात्रा था। कांग्रेस ने रीथिंक किया, आपस में तय किया, और ये तय हुआ कि भारत जोड़ो शब्द जरूर आना चाहिए, क्योंकि पहली यात्रा भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर थी और वो कांग्रेस के मुताबिक सफल रही थी। इसीलिए कल की बैठक के दौरान ये तय हुआ कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहेंगे, न कि भारत न्याय यात्रा। खैर, मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, रशीद किदवई जो कि कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छे से जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ में अमिताभ तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ जी, मैंने पूरा मैप दिखाया कि कैसे राहुल गांधी को ये 6700 किलोमीटर्स के आसपास तय करना है। आपको लगता है जैसे पूर्वोत्तर में वो 12-13 दिन है, यूपी में वो 12-13 दिन है, इससे कांग्रेस इन जगहों पर बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? आपका क्या आकलन है इस मैप को देखने के बाद? देखिए, इस मैप को देखने के बाद तो ये ऐसा लगता है कि इस यात्रा का ऐसा कोई खास पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि 13 दिन जो है वो नॉर्थ ईस्ट में बिताए जा रहे हैं जहां पर 21 सीटें हैं सिर्फ, यानी लगभग 1/4 टाइम जो पूरा यात्रा का है वो नॉर्थ ईस्ट में बिताया जाएगा जहां पर पूरे लोकसभा स्ट्रेंथ का 5% सीट भी नहीं है। दूसरी बात, 3 ऐसे राज्य बंगाल, बिहार और यूपी, वहां पर भी लगभग 20 दिन बिताए जा रहे हैं टोटल 66 डेज पे से। इन तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी जो है उसकी डिपेंडेंस जो है वो वहां पर रीजनल पार्टीज के ऊपर है। कांग्रेस पार्टी अकेले अपने बल पर वहां पर उसका कोई खास औचित्य आज की डेट में बचा नहीं है, और यहां पर अलायंस भी वो कर रही है। तो अनलेस कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी और टीएमसी के साथ मिलकर ये प्लान बनाया है, जैसा लगता नहीं है जिस तरह से पब्लिक स्पैट अखिलेश यादव कांग्रेस और टीएमसी और कांग्रेस के बीच में चल रहा है, तो ये भी काफी लंबा टाइम यहां पर मुझे लग रहा है ऐसे राज्यों में बिताया जा रहा है जहां रीजनल पार्टीज को
ज्यादा सीटें मिलने की चांस है, अनलेस कि कांग्रेस यहाँ पर अकेले लड़ना चाह रही है, जो कि अटकलें एटलीस्ट वेस्ट बंगाल के लिए तो हमको सुनने में आ ही रही हैं। और मैं उस पे आता हूँ। रशीद किदवई साहब, आपका एक पहला रिएक्शन जानना चाहूँगा। बहुत दिनों से बात थी कि दूसरी यात्रा होनी चाहिए, होनी चाहिए। इनफैक्ट 5 विधानसभाओं के पहले भी मांग की जा रही थी कांग्रेस के वर्कर्स के द्वारा कि राहुल गांधी फिर से निकलें। राहुल गांधी तब नहीं निकले, लेकिन अब चुनावी मौसम है। इस वक्त में राहुल गांधी करीब 60-70 दिन सड़कों पर रहेंगे, लोगों से मिलेंगे। आपको लगता है राहुल गांधी के इस प्रयास से कांग्रेस पार्टी के दिन बदलेंगे इस यात्रा के जरिए? सुमित, देखिए ये 357 मतलब लोकसभा सीट्स को एक तरीके से टच करेगी। जिन राज्यों में जा रहे हैं उसकी गिनती 357 की, उस समय इस समय कांग्रेस की केवल 14 सांसद है वहां से। तो क्या ये संख्या 14 से बढ़कर 28 होगी, 56 होगी? देखिए इसमें इसको लेके बहुत संदेह है कि कोई राजनीतिक रूप से बड़ा भूचाल आएगा। कोई राज्य ऐसा, केरल और कर्नाटक को अगर हम छोड़ दें, तो कांग्रेस इस स्थिति में इस समय नहीं लगती कि वो 10 लोकसभा सीट या उससे ज्यादा मतलब दहाई की में आ सके। तो उसमें राहुल गांधी के रणनीतिकार जो है वो उन्होंने पहले इंतजार करते रहे कि हो सकता है ये 3 राज्यों में प्रदर्शन अच्छा हो और उस पर राहुल गांधी को एक बड़ी भूमिका में एक इसमें सामने लाए। सो भी देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है, आपको भी ये बात मेरी थोड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन राहुल गांधी की कोई भूमिका नहीं है लोकसभा के चुनाव में। कोई उस तरीके की भूमिका नहीं है, ना कोई वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार है, ना कांग्रेस के वो अध्यक्ष है। तो एक तरफ राम मंदिर का जो नरेंद्र मोदी जी ने एक पूरा माहौल खड़ा किया है, तो राहुल गांधी ने एक आसान रास्ता उसका निकाला है कि आप यात्रा में रहें, इतने दिनों यात्रा में रहेंगे तो कोई सवाल जवाब नहीं रहेंगे, एक अलग एजेंडा चलाएंगे, जो देश का एक माहौल बनेगा उसमें राजनीतिक माहौल बनेगा। तो ये एक कोशिश है और मुझे लगता है कि इसमें राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं होगी। राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं होगी, लेकिन काउंटर मेरा आपसे ये है रशीद भाई, और वो ये कि अगर विपक्ष का नेता ये ना करे तो क्या करे? अगर बीजेपी ने राम मंदिर को लेकर, जो कि 22 तारीख को जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इतना बड़ा मोमेंटम खड़ा कर दिया है, क्या करना चाहिए राहुल गांधी को, क्या करना चाहिए मल्लिकार्जुन खड़गे को? और वो सड़क पे नहीं उतरेगा तो क्या करेगा? सुमित, आपने बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। देखिए राहुल गांधी कोई आध्यात्मिक नेता नहीं है, कोई मतलब पर्सनालिटी नहीं है, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, कोई फिलोसफर नहीं है। वो एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए एक राजनेता है। राजनेता का काम ये होता है कि वो चुनाव में कमर कसे और चुनाव जीतने के प्रयास करें। अगर वो 25 लोकसभा सीटों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करके वो 25 लोकसभा सीट जिताने का प्रयास करते देश में चारों तरफ देख करके, और वहां के ऊपर जी अगर उसमें 12 सीटें मिल जाती तो लोग उसको क्वांटिफाई कर देते। देखिए सुमित, आप जो न्याय यात्रा की बात करते हैं, तो न्याय क्या होता है आम आदमी को? ये देखिए एक लिबरल एक एक जो एक फिलोसफिकल सेंस में आप न्याय की व्याख्या कर सकते हैं, जो जयराम रमेश कर रहे थे। आम आदमी को तो लगता है कि न्याय का मतलब होता है थाना, पुलिस, अदालत, ये सब। वो नहीं है तो बिल्कुल उसको न्याय की उस तरीके की कल्पना नहीं है। यही राहुल गांधी के लिए देखिए राजनीतिक उद्देश्य बिल्कुल साफ होना चाहिए। जब एनटी रामाराव ने जो चैतन्य रथ की यात्रा निकाली थी उसका एक राजनीतिक उद्देश्य था, जो राजशेखर रेड्डी ने किया था उसके भी राजनीतिक उद्देश्य था। यहाँ राजनीतिक उद्देश्य का अभाव है। ये जो आप न्याय की बात करते हैं इसको मतलब आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। मतलब आप चुनाव लड़ना भी चाहते हैं, चुनाव जीतना भी चाहते हैं, लेकिन आप अपने आप को साधु दिखाना चाहते हैं। अमिताभ तिवारी, नहीं देखिए क्या है कि जैसे अगर अंग्रेजी में कहें तो यात्रा है स्टार्टेड ऑन अ रॉन्ग फुट। भारत जोड़ो यात्रा एक ठीक ठाक ब्रांड एस्टेब्लिश हो गई थी। अब आपको क्योंकि NYAY न्याय योजना अपने मैनिफेस्टो में डालना है, जो पिछली बार भी आपने डाला था 72,000 रुपए निचले 5% आबादी को, जो कि उस वक्त भी नहीं चला था, आपने इसको भारत न्याय यात्रा किया, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया। और न्याय जैसा राशिद भाई कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ये बहुत भारी भरकम शब्द है, ये इतना आसान शब्द नहीं है किसी के लिए समझना। दूसरी बात, ये एक्रोनिम से बनाया गया है NYAY, जो उस स्कीम का जो एक ये शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए न्याय हो जा रहा है हिंदी में, अंग्रेजी का हिंदी रूपांतर हो रहा है। अब पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अगर इस यात्रा का क्लियर नहीं है तो हो सकता है कि अगले 2 महीने में राहुल गांधी जी को और कांग्रेस को थोड़ा मीडिया कवरेज और अटेंशन इससे मिल जाए, लेकिन जिन राज्यों से यात्रा गुजर रही है उन राज्यों में एक तो नॉर्थ ईस्ट जहां पर सीटें ही कम है, अगर 80-20% जो एक प्रिंसिपल होता है, जैसे भाजपा क्या है, जी 80% जो आउटकम है वो 20% जो राज्य है भारत के, यानी 6 राज्य, 30 राज्य का 20%, 6 राज्य, 6 राज्यों से उसके 70% के से अधिक सीटें हैं। तो इस तरह का फोकस्ड अप्रोच नहीं है। केरला, तमिलनाडु,
ठीक है वहां से यात्रा गुजरी, मुझे नहीं ध्यान है पिछली बार गुजरी थी कि नहीं, मैं तो लेकिन जहां मतलब पर मुझे तो आपका लग देश है। रहा था मैं एक 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 बात कहते हुए आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा आप दोनों सुने इस बात को। कांग्रेस पार्टी दक्षिण में मजबूत है, कांग्रेस पार्टी दक्षिण भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में कमजोर है। फोकस दक्षिण में करना चाहिए था, जैसा कि आप दोनों की बातों से निकल कर सामने आ रहा है। ऐसे में जब चुनाव का पी वक्त होगा, आप फरवरी मार्च के महीने में आप यात्रा कर रहे होंगे उस इलाके में जहां कांग्रेस के पास काडर ही नहीं है, बंगाल में, बिहार में, यूपी में, जहां पे कहने को 120, 125, 130 सीटें हैं, पर कांग्रेस के पास नेता नहीं है। अगर 80 सीटों पर लड़ना पड़ जाए यूपी में तो 80 लोग मिल नहीं पाएंगे कांग्रेस पार्टी को, स्थिति ऐसी है। तो ऐसे में आप उस जगह पर एनर्जी लगा रहे हैं जिस जगह पर आपको पता है कि यहां पर बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, भरपाई नहीं होने वाली है। मैं वक्त की कमी है, माफी चाहता हूं आप दोनों का। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया अमिताभ जी, शुक्रिया रशीद भाई, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। पर कांग्रेस पार्टी ने यात्रा तो निकाल ली है, पर यात्रा में जोड़ शब्द जोड़ भी दिया है, पर सीटें जुड़ेंगी क्या ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के उस पार वीडियो ऑफ द डे। और हम भारत के लोग देख रहे हैं आप, और आखिर में हम दिखाते हैं वीडियो ऑफ द डे, कुछ अच्छी और सुहानी तस्वीर है। ऐसी कुछ तस्वीर हमको मिली है इस बार उड़ीसा से। सर्दी का मौसम अपने शबाब पर है और परदेसी परिंदे आजकल खूब भारत का रुख कर रहे हैं। ये तस्वीरें चिल्का झील की है। आजकल विदेशी चिड़ियाओं की यहाँ पर बहार है और चिल्का झील में सैर करती, उड़ती, शिकार करती इन बर्ड्स को बहुत आसानी से देखा जा सकता है। और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहा जाए तो चिल्का जाने के लिए, उड़ीसा के दर्शन करने के लिए बड़ा ही मुफीद वक्त है।